Very good morning, friends. This is 22nd of March. Sunday morning, beautiful Sunday morning. 7 a.m. and we are observing Janta Curfew. You see, people are really respecting and acknowledging Mr. Modi's appeal of Janta Curfew. वेलकम बैक। तो अब 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और हमें ऑलरेडी चारों तरफ आसपास के घरों में, उनके बैल्कनीज में और शायद छतों पर लोग पहुंच चुके हैं। मुझे आवाज़ें भी सुनाई दे रही है और उम्मीद करती हूं कि आज रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैं अभी आपको घंटे की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, तो अब हम बाहर निकलेंगे और ये वीडियोज़ हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबने हमारी इस मुहिम को समर्थन किया हुआ है। हमारे चारों तरफ एवरीवन इज सपोर्टिंग दिस कॉज, दिस सोशल कॉज। बहुत दूर दूर तक हम देख सकते हैं हमारे सारे नेबर्स जो है, विच आई रियली एक्सपेक्टेड दिस टू बी, और ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। This is how we can do and we should do for our nations. काफ़ी दूर दूर तक हम देख सकते हैं। You can see everybody has come out, अपने घरों से सब निकल के आ गए हैं। Today this is a really एक real time moment है जब मुझे अपने nation पे काफ़ी और बहुत सच में गर्व हो रहा है। सबने इस तरह से इस मूवमेंट को समर्थन किया हुआ है, इससे अच्छी और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती थी। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री। पड़ोसी में भाई साहब को देख सकते हैं, ही इज प्लेइंग अ ड्रम। चारों तरफ तालियों की आवाज़, घंटी की आवाज़, तरह तरह की बाजाओं की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये अपने आप में सच में एक बहुत बड़ी बात है। आज अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट है ये। दिस इज़ वन ऑफ माय एवर सीन हिस्टोरिकल मोमेंट। ये मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ज़िंदगी में कभी देखूंगी। पूरा देश एक साथ में जाग उठा है, इतना यूनिटी। आई एम रियली ब्लेस्ड टुडे टू फील दैट आई एम इन इंडिया। ये आवाज़ें जो गूंज रही हैं आज, शंख, तालियां, घंटियां, इनके माध्यम से हमारा प्रार्थना जो है, हमारे दिल से ये प्रेयर भगवान तक पहुंचे। उन सभी लोगों के लिए मैं कामना करती हूं, दुआ करती हूं। अगर आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ सब लोग निकल आए हैं अपनी बैल्कनीज से। ऐसा लग रहा है जैसे इतने से क्षण के अंदर पूरा देश एक साथ आ गया है। ये दुनिया बहुत छोटी सी लग रही है।
सब अपने लग रहे हैं मुझे। शायद मैं भी बोलते समय कांप रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे बहुत उत्तेजना हो रही है। दिस इज समथिंग आई एम प्राउड टू विटनेस। यहाँ चारों तरफ गूंज रहा है भारत माता की जय। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है लेकिन बहुत लोग अभी भी उतने ही उत्सुकता के साथ लगे हुए हैं। आज सच में ये 5 से 10 मिनट मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान और बहुत कीमती रहा है। शंखनाद के साथ अभी ये 5 से 10 मिनट का समय ख़त्म हो रहा है। हर कोई अपने अपने घर के अंदर जा रहे हैं। थैंक यू, सच में मन तो कर रहा है कि हर किसी को जाके पर्सनली मैं थैंक्स बोल के आऊँ। ये शाम मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय रहेगा हमेशा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इंडिया। हम सचमुच ऊपर जो देखे हैं, दैट वाज अनबिलीवेबल। ये मैंने सच में कभी नहीं सोचा था और दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। दिस इज़ ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। और अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है दूर से कहीं से, लेकिन एनीवे आई वुड रियली लव टू थैंक एवरीवन अराउंड मी, लेकिन शायद वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर किसी के घर उतनी दूर तक जाके नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी दूर से सबको हाथ दिखा के थैंक्स बोलने की, और देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ स्माइल एंड फ्यू जेस्चर्स अराउंड, और वो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। तो यही दुआ करूँगी कि ये हमारी जो हमारा जो प्रेयर है हम सबके दिल से भगवान तक पहुँचे। ये एक तरह का एकजुट होके एक प्रयत्न सिर्फ नहीं था, ये एक दिखाना भी था कि वी आर ऑल टुगेदर, हम सब साथ में हैं और हम इस मुसीबत का सामना एकजुट होकर डटकर करेंगे। और ये हमारे मेरे पतिदेव, और इन्होंने भी बहुत अपने एक्साइटमेंट के साथ और फुल एनर्जी के साथ पूरे पीछे, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसुरा सा कुछ शंख और अगर फटी सी आवाज़ और अगर कंटिन्यूस घंटियों की आवाज़ आई होंगी तो इन्होंने ही बजाया था ये। बट एनीवे इन्होंने भी, ही हैज़ सपोर्टेड अ लॉट, ही इज़ हैविंग सो मच ऑफ एंथुसियाज्म, जिन्होंने मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हुआ है ये आज के दिन के लिए। सो तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर, या थैंक यू सो मच, और आगे हम आपको ज़रूर आपके साथ टच में रहेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि अब आगे के व्लॉग्स हमारे थोड़े और, अगेन इट शुड बी बैक टू म्यूज़िक और बाकी चीज़ें जैसे हम हमेशा से साथ टच में होते आए हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।